अगर आपको घर का बना हुआ मक्खन वाला शानदार ढाबे से भी पंजाबी ढाबे से भी बेटर आलू परांठा खाना है तो इन टिप्स को देखिए और बनाइए। सबसे पहली टिप है कि जो हमारा आलू है, बॉयल्ड आलू का जो हम मसाला बनाते हैं ना, उसको आप हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है। अगर ये मैश नहीं होते, आलू के डले रह जाते हैं, तो वो आपका यूनिफॉर्म परांठा नहीं बनेगा और प्लस बीच बीच में से फट भी जाता है परांठा। बहुत सारे लोगों के परांठे फट जाते हैं, राइट? तो ये इसकी टिप है, इसको अच्छे से ऐसे मैश कर लीजिए। देखिए, ये है पहली टिप। गेहूं के आटे का लोया है, आटे से हमने बना लिया है। अब हम इसको बेल के रेडी करेंगे, इसमें स्टफिंग करेंगे। जो हमने आलू का परांठा है, हमने नॉर्मल आलू का परांठा बनाया है। धनिया, हरी मिर्च, प्याज और सारे मसाले डाल के आप बना सकते हैं। अब सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, इसमें जो स्टफिंग होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। आलू के पराठे जो ढाबे में आप खाते हैं या पंजाबी आलू के पराठे ना, आप जितनी नॉर्मल स्टफिंग करते हैं उससे ज्यादा होती है इसमें स्टफिंग। ये अच्छे से भरा हुआ होना चाहिए। जितना ज्यादा आप स्टफिंग भरेंगे उतना अच्छा आपका ये पराठा बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने स्टफिंग एकदम अच्छे से कर दी है। अब हम इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। ये देखिए कितना मोटा हो जाता है, राइट? कि जो यह पराठा बेलेंगे हल्के हाथों से, बाहर से बीच की तरफ आपको रोल करके लाना है, यानी कि एंड से मिडिल तक आपको रोल करना है, ताकि आपका पराठा जो है वो फटेगा नहीं। ये देखिए, मैं कॉर्नर्स में पहले बेल रही हूं और मिडिल तक आती हूं, हल्के हल्के हाथों से, मिडिल से, तो कॉर्नर्स भी हमारे पतले हो जाते हैं और बहुत अच्छा बनता है आपका पराठा। ये देखिए, मैं रोल कर रही हूं कॉर्नर्स को अच्छे से। अभी ये बन गया है हमारा। अब हम हल्के हाथों से देखिए, इसको तवे पे हमने रख दिया है यहाँ पे। सो ये देखिए, अब यहाँ पे हम इसको एक साइड से जब पलट जाएगा तो अब हम इसको दूसरी साइड पलट देंगे। पर अभी हमें इसमें घी नहीं लगाना, ये चौथी टिप है। अब मैं आपको बता रही हूँ, घी हम तब लगाएंगे जब वो दोनों साइड से सिक जाएगा। इससे क्या होता है, पराठा बहुत अच्छा सिकता है। क्या होता है, नॉर्मली हम पलटते ही घी लगा देते हैं, वो गलती हमें नहीं करनी है। यहाँ पे हम अभी दूसरी साइड से भी उसको सिकने देंगे। तो वापस से रिवाइंड कर देती हूँ फॉर आर यूजर्स, ताकि आपको याद रहे कि सबसे पहले आलू अच्छे से मैश हो जाने चाहिए हाथ से, फिर हमें आलू की स्टफिंग बहुत अच्छी करनी है। हम नॉर्मल से डबल क्वांटिटी डालेंगे, हल्के हाथों से रोल करेंगे, एंड से मिडिल तक रोल करते हुए आएंगे ताकि किनारे उसके पतले हो जाए, लंबा बेलेंगे। फिर हम दोनों साइड से इसको सिकने देंगे और घी में बनाएंगे। हमेशा पंजाबी पराठे घी में बनते हैं, ये इसकी खास टिप है। ये देखिए कितना शानदार फूल चुका है आपका पराठा। अब इसमें हम घी डाल रहे हैं। अब पांचवी एक इम्पॉर्टेंट टिप आने वाली है यहाँ पे, तो उसको जरूर देखिएगा। अगर अच्छी लग रही है ये रेसिपी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और ये बन चुका है हमारा ये पराठा अच्छे से। इसको मीडियम फ्लेम पे हम सेक रहे हैं। अब हम इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्या होता है कि इसकी सिकाई बहुत अच्छे से अंदर तक हो जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आ रही है जो पंजाबी ढाबों में मस्ट होती है, और वो है घर का बना हुआ मक्खन। तो देखिए, घर का बना हुआ मक्खन हमने यहाँ पे लिया है। घर के बने हुए मक्खन के संग ये पराठे अगर आप बनाएंगे तो गारंटी आप खाते रह जाएंगे इस पराठे को। इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए ये शानदार मक्खन वाला, घर के मक्खन वाला आलू का पराठा, पंजाबी ढाबों से भी बेटर। बाय बाय एवरीवन।